आज एक बहुत गंभीर खुलासा और एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिग एक्सपोजे आज यहां होने वाला है। शराब कमीशन और घोटाला, इसको लेकर दिल्ली में विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की जनता ने आंदोलन किए और जिस प्रकार से शराब नीति में मोटा माल मनीष सिसोदिया जी ने कमाया, जिस प्रकार से कमीशन का खेल हुआ, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और कई सवाल हमने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पूछे हैं। सिर्फ मेमोरी को फ्रेश करने के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 5 सवाल हमने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे कि ये जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराब नीति लाई गई, और नई शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनंद फानन में वापस लेना पड़ा। रवि धवन जी की जो एक्साइज कमिश्नर थे तत्कालीन, उनकी अध्यक्षता में एक कमिटी बनी थी कि नई शराब नीति कैसी होनी चाहिए, उसके रिकमेंडेशंस को ताक पे रख करके ऐसी क्या कंपल्शंस थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी शराब नीति बनाई जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस को नहीं माना। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने आखिरकार क्यों ठेका दिया। चौथा सवाल हमने पूछा था कि कानून के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते, उसके बावजूद आपने अपने मित्रों को बुला करके जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको आपने रिटेल में काम कराया। पांचवा सवाल हमने यह भी पूछा था कि क्या कारण थे कि पहले जो फायदा या कमीशन ठेकेदारों को 2% का मिलता था उसे आपने 12% में तब्दील किया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ठेकेदारों को बहुत फायदा हुआ, मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों का बहुत फायदा हुआ। 144 करोड़ रुपया ये जो लाइसेंस फीस था अपने मित्रों का बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, इन्होंने क्यों माफ किया। ये कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पूछा था, जवाब आज तक नहीं आया। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो पब्लिक डोमेन में है, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। और इस स्टिंग में जो कंटेंट है जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेवड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है, अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे दलाली ली। कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं और यही बात आज इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लाया गया, दिल्ली को नुकसान में ढकेला गया और अपने को प्रॉफिट में रखा गया। और ये सारा का सारा स्टिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था।
मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था, आप खुद उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे। आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है सीबीआई की, उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा। तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा, ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में डायरेक्टर इत्यादि है बेटे पिता सब। तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडस ऑपरेंडाई किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरीवाल सरकार की नीति कैसी थी, इसका पर्दाफाश करते हैं। मैं अब निवेदन करूंगा मंच से कि जरा लाइट को धीमी करके अरविंद केजरीवाल जी के काले कारनामों को स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देखा जाए और आप सब भी स्टिंग मास्टर के स्टिंग को देखिए।